नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। उत्तर प्रदेश के आगरा विश्वविद्यालय में मेडिकल के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन कर हंगामा शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं का कहना था कि मेडिकल के एक विषय में कई छात्रों को फेल किया गया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया। पुलिस प्रशासन ने छात्र छात्राओं को समझाया, लेकिन छात्र छात्राओं को समझाने के बाद छात्र संगठन भी मैदान में आ गया। जी, मेरा नाम तरुण असोलिया है और आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से 2017-18 बैच का मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, अभी परसों रिजल्ट आया हुआ है सभी का, तो कोई भी क्लियर पास नहीं है। और जैसे एक सब्जेक्ट है तो उसके दो पेपर होते हैं, तो एक पेपर में तो किसी के 60 नंबर है, उसी सेकंड पेपर में 0 नंबर हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कॉपी रीचेक के लिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी वाइस चांसलर जी को एक ज्ञापन भी देंगे और री एग्ज़ाम भी हुए हैं जिनके जो हमारे सीनियर्स हैं, वो भी कोई भी री में कोई भी पास नहीं है। और सप्ली जो भी सब दे रहे हैं अपने जूनियर्स के साथ दे रहे हैं, और 1.5 साल करीब हो गए हमारे बैच को। अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अब आया, वो भी कोई भी किसी में भी क्लियर नहीं है। करीब 90% रिजल्ट फेल का दिखाया जा रहा है, तो इसी संबंध में हम आए हुए हैं। जी, यूनिवर्सिटी की पूरी लापरवाही है उसमें, और टाइम से कोई काम नहीं करा रहे हैं। टाइम से एग्ज़ाम होने चाहिए, री एग्ज़ाम होने चाहिए। री एग्ज़ाम भी रिजल्ट जो सेकंड ईयर का, जैसे फर्स्ट ईयर वाला है तो सेकंड ईयर के रिजल्ट से पहले ही उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। कोई भी सुनवाई नहीं होती है, कोई कंप्लेंट डालते तो कोई भी। नाम नेहा वर्मा है, मैं प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हूँ। मतलब ऐसा हम लोगों के साथ किया जा रहा है कि मतलब 37 के बैच में क्या खाली 2 ही बच्चे पढ़ने वाले, बाकी सब बेकार हैं। मतलब किसी के 5, किसी के 60 ऐसे नंबर आएंगे। माना कि एक सब्जेक्ट में हमारे 60 आएंगे तो एक में 5 आएंगे, 10 आएंगे, ऐसे नंबर आएंगे हमारे। जीरो जीरो कर, और सीनियर को तो बिल्कुल साफ कर दिया इन्होंने, री का बिल्कुल बेकार करके रख दिया है हर चीज। सारे के सारे लड़के नहीं पढ़ते और कोई कलर नहीं। आर्मी वाले कौन है? तुम भी आर्मी वाले भी सर, लापरवाही तो सबकी है, सबके देन से ये हो रहा है। हम किसको कह सकते हैं जब हम किसी के बारे में जानते नहीं है, तो हम किसे कह दें कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन हमें बस हमारा इंसाफ चाहिए, जो हमने किया है हमें वैसे नंबर चाहिए, बस नंबर चाहिए हमें, हमारे हक के नंबर चाहिए बस। और हमें कॉपी रीचेक चाहिए अपनी, क्योंकि हमने इतना मेहनत करके पास किया है। क्या मजाक है कोई बीएमएस करना? 2 साल में करा रहे हैं, 2 साल में करके हम लोग पास हो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। माँ बाप फाइनेंशियल कहाँ से पैसा ला रहे हैं? इन लोगों को क्या करना है? जो बच्चा कर रहा है उसे पता है ना। छात्र आए थे, उनके रिजल्ट में किसी को कम नंबर मिल गए हैं, उस पर वो कह रहे हैं, तो उनको हम लोग कन्विंस करें, जो भी उनकी कापियाँ रहेंगी और चैलेंज इवेल्युएशन कराना चाहेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए होता है सेल्फ असेसमेंट होता है। बच्चे आजकल ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली चाहते हैं किसी चीज़ का समाधान, उनको धैर्य रखना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं, शिक्षक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर हमने सब RTI का दिलवाया था, इस साल भी हम दिलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के लिए क्या मेल पर जा रहा है? आप इसको आप कर सकते हैं, मेल ID अपना देंगे, उनके मेल पर जा रहा है आजकल। अभी तो बहुत दिनों से मेल पर मेल आईडी पर डायरेक्ट भिजवा दे रहे हैं। नहीं, पुनः कॉपी चेक कराने का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन हाँ उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, बच्चों के प्रकरण को देखा जाएगा। स्टूडेंट जो अपना रख रहे हैं, कुछ एक ऐसा आएगा तो उस अनुसार कार्रवाई की जाए। चैलेंज इवेल्युएशन है, अब तो कॉपी रीचेक कराने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं भाई, एग्जामिनर हम तो कुछ चाचे नहीं, तो देखिए एग्जामिनर होता है, उनसे क्या कोडिंग हुई है, कापियों की कोडिंग हुई है। कभी कभी पेपर कठिन हो जाते हैं, तो बच्चों को अपने असेसमेंट करना चाहिए कि हमारा पेपर क्या रहा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसका आंसर क्या होना चाहिए। और एट पार नहीं है तो डॉक्टर ऐसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए।